दिन में भी इतना फोकस है तो सोचो रात में कितना होगी, इसका फोकस कितना क्लियर और कितना साफ आ रहा है। दोस्तों मैं हूं पाल और आप देख रहे हैं पाल ऑटो टेक मैकेनिकल मोबाइल। दोस्तों आज हमारे पास एक ग्लैमर गाड़ी आया है। दोस्तों इस गाड़ी का जो पहले वाला जो हेडलाइट है वो थोड़ा रेड जलता है। देखिए ये कैसे स्टार्ट हो गया, मैंने आपको दिखा दिया कि रेड जलता है। इसको अभी कस्टमर चाहे कि इसको व्हाइट वाला लाइट एलईडी लाइट लगा जाए ताकि रात को ज़्यादा रोशनी हो। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये BS4 मॉडल गाड़ी है और इसमें दोस्तों हेडलाइट स्विच नहीं है। देखिए ये वाला यहाँ पे जो स्विच रहना चाहिए ऑन ऑफ का, ये वाला नहीं है, ये डायरेक्ट जल के रहता है। तो अगर हम इसमें एलईडी लगाएंगे तो ये कटने का संभावना होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एक यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल स्विच लगाएंगे। स्विच लगाने के बाद ऑन ऑफ करेंगे, उसके बाद एक बॉल लगाएंगे CYT एलईडी बॉल। तो बॉल कैसे लगाते हैं और कैसे स्विच कनेक्शन करते हैं, कैसे बिना स्विच के स्विच कनेक्शन करते हैं, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये रहा स्विच, अभी इसको हम हैंडल में लगाएंगे। दोस्तों देखिए अभी हम यहाँ पे स्विच का सिस्टम लगाएंगे। तो ये जो तार है यहाँ पे देखिए, हेडलाइट बल्ब का तीन कनेक्शन आता है, एक वाइट वाला रहता है, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू वाला। जो ग्रीन वाला होता है दोस्तों ये वाला अर्थिंग का होता है और ये जो दो कनेक्शन है वाइट और ब्लू, ये वाला दो लाइट कनेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लू वाले ग्रीन वाले जो कनेक्शन होती है जो जिसका अर्थ बोलते हैं, इसमें कट लगाएंगे और दोनों को यहाँ पे एक इधर का एक उधर से लगा देंगे। तो अभी हम कंट्रोल जो करेंगे वो अर्थिंग से कंट्रोल करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दूसरी तरीका ये भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे जो हेडलाइट स्विच आता है यहाँ से एक येलो वाले वायर आता है, उसमें हम कट लगा के कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी गाड़ी का और दूसरी वायरिंग में भी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये वाला हमारे लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर कट लगाते हैं, कट लगा के इसको फिट करते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम इसमें एलईडी लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, ये डायरेक्ट नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला जो येलो का जो लाइट का वायर है इसको काटेंगे, ये डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्शन करेंगे। क्योंकि जब हम ये गाड़ी स्टार्ट करेंगे स्टार्ट में भी तो जलेगा जना, लेकिन विदाउट स्टार्ट में भी वो जलेगा। तो चलिए इसको काट के इसको फिट करते हैं। देखिए दोस्तों जब ये येलो का वायर हम यहाँ से कट किए, उसके बाद हम इसको लगाएंगे किसी करंट की वायर में जहाँ से बैटरी डायरेक्ट करंट आती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी भी जगह हो सकती है, जैसे आप इग्निशन में भी लगा सकते हैं और जो ब्रेक लाइट का स्विच आता है वहाँ से भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो आता है ये यहाँ से जो कटआउट में था पास लाइट का, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक लाइट से लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सेफ रहता है। देखिए ये ब्रेक लाइट वाला कनेक्शन किधर है, ये वाला देखिए, ये ब्रेक लाइट वाला जो कनेक्शन है यहाँ से हम लेंगे, ये ब्लैक वायर में से लेंगे। तो पहले हम इसको इसका जो लाइट है एलईडी लाइट इसको लगा के देखते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा एलईडी जो CYT का बल्ब, जो एक्स्ट्रा बल्ब हमने बताया था आपको, तो इसका जो लाइट है कितना ज़्यादा वाइट है और कितना अच्छा दिख रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों, वो पहले वाला पूरा रेड था, अभी ये पूरा व्हाइट दिख रहा है। तो दोस्तों इसका जो हेड डिपर है, देखिए हेड डिपर हो रहा है, और यहाँ पे जो ऑन ऑफ का स्विच हमने लगाया था, देखिए अभी ऑफ हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, मतलब ये अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये वाला जैसे कि आप देखें कि ये वाला जो
इसको निकाल लेते हैं पहले, नहीं तो बाद में। ये वाला जो ब्लैक कलर का कनेक्शन है इसमें हम दे देंगे अभी इसका जो पूरा लाइट का कनेक्शन, देने के बाद इसका काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों जैसे अब देख लेते कि इसका पूरा कनेक्शन हो गया, अभी जिस तरह हमने खोले थे उसी तरह फिटिंग करेंगे। दोस्तों देखिए जिस तरह की आप देख रहे थे कि हम भाईजर जैसे खोले थे वैसे फिटिंग किया। अब इसके बाद हम आपको लाइट ऑन करके दिखाते हैं पहले वाला कैसा था आप कैसा है। देखिए दोस्तों इसका फोकस कितना क्लियर और कितना साफ आ रहा है, और पहले वाला कैसे रेड रेड और येलो येलो दिख रहा था। तो अभी इसका फोकस भी बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है, दिन में भी इतना फोकस है तो सोचो रात में कितना होगी। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह नई नई टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।